तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो कुछ बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ा था, पीरियडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर हम लोग हार्मोनिक मोशन पे गए थे, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, ठीक है। सिंपल और हार्मोनिक मोशंस का इक्वेशन जो है वो हमने देखा था कि जो भी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, हम लोग कह देंगे इस फॉर्म में अगर कोई भी आप डिस्प्लेसमेंट लिख पाते क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बेसिकली ये इक्वेशन है, कोई ना कोई ग्राफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अभी मत देखो उसको, मत करो, वो आप पढ़ के आएगा, ठीक है, और फिर उस वक्त जब मैं बताएगा तो आप मुझसे उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर मैंने यहाँ ऐसे पढ़ा था, क्योंकि दो जगह आप दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। वो तो ऑलरेडी आपके पास है, सारी बुक जो भी आप बुक यूज करते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। मैं आपके पास हमेशा के लिए नहीं, मैं डेढ़ घंटे के लिए, ठीक है। तो जब भी हम इस फॉर्म में लिख सकेंगे, ये साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, हमने दिखा देखा था जो है कैसे चेंज करते हैं। अरे भैया अगर इसने कॉस में लिख दिया तो पाई बाई टू से प्लस माइनस कर, साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा कि नहीं। अगर यू समझ लो ना ये 38 है, ये पूरा होता है एंगल के अगेंस्ट, एंगल और फेज, ठीक है। साइन के अंदर एंगल ही तो होता है और ये इनिशियल एंगल है, ठीक है, पाई बाई इनिशियल, ठीक है। उससे हेडेक वेडेक की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ में ये एंगल। मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर लिख दिया गया है साइन 60 तो कॉस भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, कॉस कितना होगा, कॉस 30 बराबर होगा, तो यानी कि साइन हो कॉस हो हम चेंज कर सकते हैं। ये अपनी लास्ट क्लास में देखा, मैंने एक सी जनरल एक एग्जांपल दिया था, मैंने लिख दिया था एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस ओमेगा टी। अब मैंने क्लास में बताई है सिस्टम में है नहीं, ये दे रखी है कि अगर इस फॉर्म में हो तो जो है एक और मैंने बताया कि अगर हमारा एफ माइनस एक्स को एफ क्या है फोर्स, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो फोर्स के, फोर्स केस में भी कहेंगे कि ऐसा ऐसा चाहिए, ठीक है। और भी मैंने बताया ठीक है, तो ये सारी कहानी हुई थी। उसके बाद मैंने टाइम पीरियड निकालवाया, टाइम पीरियड हम तो दो तरह से निकालते हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ये जनरल इक्वेशन, इससे भी कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं ओमेगा जो होता है वो टू पाई अपॉन टी, एंगल कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड और यहाँ से भी निकाल सकते हैं एफ, दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ अगर एन से मल्टीप्लाई करो तो इधर एफ हो जाएगा और इधर एम टाइम समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी केस में हम लोग फोर्स निकालना जानते हैं कि नहीं भैया, सेकेंड लॉ लगा देंगे एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए, एक्स लगाएंगे तो वाई लगाएंगे, बस आसानी ये होती है कि यहाँ पे जो भी हम लोग एक सिस्टम अभी सिर्फ पढ़े थे, हम लोग कौन सा सिस्टम पढ़े थे, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग है और मास, ठीक है। तो इस केस में हमने देखा था कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो टू पाई अंडर रूट एम अपॉन, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर कोई भी
कांस्टेंट फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है यहां पर सिस्टम, तो उससे टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। यानी इसको अगर मैं एक कोई लिफ्ट में रख दूं और लिफ्ट को मैं ऊपर ले जाऊं या नीचे ले जाऊं कुछ भी करूं उसके साथ, तो उस पर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा और वो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होगा, तो उससे इसकी टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसको मैं भैया मास से तो चार्ज भी हो, हम लोग अलग अलग चीजें देखते हैं, ग्रेविटेशन सिर्फ मास देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से चार्जेस देखते हैं, तो चार्ज भी लग रहा हो, चार्ज भी इसके पास होगा, तो वहां पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हमने रख दिया है तो फोर्स लग रहा हो, अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, तो फिर से कोई देखते नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसे ही मैंने तीन चार एग्जाम्पल आपको दिखाया, ठीक है। हर केस में मुझे एम और की जरूरत है, ताकि मैं टाइम पे निकाल सकूं। अगर उसने सिंगल स्प्रिंग दे रखा है तब तो कोई हेडेक नहीं, लेकिन उसने क्या किया, दो स्प्रिंग लगा दिया एम और की, तो अब किसका केस है, दोनों गलत। तो हम क्या करते हैं कि एक तो तरीका है कि पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, सेकंड टर्म लगाऊं, ठीक है। मैंने चार पांच स्टेप लिखवाए थे कि आप जो है सबसे पहले इक्विलिब्रियम देख लीजिए, इक्विलिब्रियम के बाद आप देख लीजिए आप क्या करेंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट कराइए, ठीक है, और वहां पे इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन लिखने के बाद कंपेयर करिए इस वाले इक्वेशन से और वहां से आप भी निकालिए। ये तरीका तो हमेशा के लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में है तो उस केस में हम लोग इतना मेहनत करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सीरीज में ऐसे है तो ए इक्विवेलेंट वन अपॉन ए इक्विवेलेंट होगा ए वन प्लस और ये एंड सो ऑन, ठीक है। और पैरेलल में पैरेलल कैसे देखेगा, ठीक है। तो ये पहले कर रहे हैं, ये पहले कर रहे हैं, तो इस केस में ये इक्विवेलेंट होगा कि वन प्लस कई सारे हैं तो ठीक है। अब क्या होगा कि हमने ये इक्विवेलेंट निकाल दिया तो बस ये इक्विवेलेंट निकाल पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से ये फॉर्मूला वहीं से आया है, ये फॉर्मूला हम एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी बना के इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद एक और बार डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, एक बार इक्विलिब्रियम के लिए, एक बार सर्टेन डिस्प्लेसमेंट के लिए, और वहां से इक्वेशन निकालेंगे, तो वहीं से के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है, बस मैं अपना और आपका दोनों का टाइम बचा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये वाला जो स्प्रिंग मास सिस्टम है पहले के केस में ये फॉर्मूला होगा और अब सिंगल स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया और सिंगल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड आउट टाइम पीरियड, क्वेश्चन लिख दो
फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन सिस्टम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन सिस्टम, ये रहेगा ऊपर वाला, एक की वैल्यू ए है दूसरी की वैल्यू बी है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइट, ज्यादा देर से नहीं है। कर जाएगा वही चीज है, सीरीज पहले जाए जैसे रेजिस्टेंस में करते, बस फॉर्मूला अपोजिट, वहां सीरीज में डायरेक्ट प्लस होता था। So this will be 2k, ये सब तो आपका नाम है जो सिखाने के लिए, बस ध्यान रखना क्या है इनवर्स में नाम, बस एक उसकी इक्वलेंट कर देते हैं 2k अपॉन यहाँ पर मार्कर नया है दो सौ पेज नहीं है, रफ कोई पेज नहीं है, तो खराब पेज है। क्या नाश्ता, किसी नाश्ता किया? इसके डिफॉर्मेशन प्लस इसके डिफॉर्मेशन के बराबर,
इस केस में टोटल डिफॉर्मेशन जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, ऐड नहीं करना है, दोनों बराबर होंगे। इस तरह सीरीज में पहले नंबर पे जाओ, ठीक है। ये दोनों सीरीज में कितना होगा, ठीक है, अजीब मजा देख के कर सकते हो। अभी टू के है, अभी वन के है, और ये थ्री के है, तीनों पहले में टू के प्लस ए प्लस थ्री के कितना हो गया, ठीक है। उस तरीके से अगर हम लोग जाते हैं तो इसमें ना नहीं आता जाते, इतने सारे इक्वेशन बनते, सबको सॉल्व करना होता। भैया मैं बताया ना कि कम से कम यहाँ एक इंफॉर्मेशन, यहाँ एक इंफॉर्मेशन, ये दोनों पैटर्न में चलो, उसका इंफॉर्मेशन इसके पास आ गया, उसका इंफॉर्मेशन इसके पास आ गया, लेकिन कभी कभी इंफॉर्मेशन वगैरह कई सारे इक्वेशन बनेंगे, आपको एक एक करके सब सॉल्व करना होगा। ये तरीका थोड़ा आसान। अब ये तरीका अगर फेल कर गए, फेल कैसे करेगा, सीरीज पहले ना बन रही तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, हमें न्यूटन सेकंड लॉ लिखना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखो, अगर आपके लिए ये सीरीज पैदल नहीं है तो सबके लिए सीरीज पैदल नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। उनका भी टाइम लगेगा, आपका भी टाइम लगेगा, ये नहीं कि उनके पास कोई जुगाड़ है, आना पड़ेगा जो है सबको उसी न्यूटन लॉ में, ठीक है। तो फिजिक्स में घबराया नहीं जाता, आपके लिए मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप डरोगे वो आपको डराएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है आप हर क्वेश्चन जो है आपको आता ही है, लेकिन हर क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ये बात सही नहीं है। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन सॉल्व करो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओके एंड बी सॉल्व करो, टाइम भी नहीं लगता है। देखो जैसा रेजिस्टेंस के केस में होता है कि मैं आपको बस दो फॉर्मूले उस वक्त बता दूंगा, एक सीरीज का एक पैटर्न का, वैसे यहाँ भी मैंने किया सीरीज और पैटर्न का, मैंने बस बता दिया कि ये फॉर्मूला यूज करते जब सीरीज हो गई या पैटर्न हो, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है या आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो। सीरीज पहले कहीं गड़बड़ दे दिया था, चलो मुझसे बात करो, कहाँ से शुरू करेंगे। हाँ, शुरू करेंगे। अब इसका कोई भी लॉजिक आप
निकालोगे तो कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है। इन दोनों को छोड़ दो, ये जो है दोनों जो है 4K ओ इसी वजह से तुम्हारा जो है गड़बड़ा रहा है, ठीक है। वो वैल्यू इसी वजह से एडजस्ट किया जाता है कि थोड़ा सा अच्छा आंसर निकल गया, ठीक है ना। 4K और 2K इसको करोगे तो कितना आएगा, मेरे से 3K आएगा
आज से तो बायो की क्लास होगी, तब भी नहीं रुके ये लोग। अरे दो तीन लड़कियां आती हैं, एक हाँ एक लड़की मुझे गेट पे दिखी। खैर नहीं पढ़ना है तो हम क्या करें। टाइम पीरियड बताना, 2 by 8K, 3M by 8K, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो। एट को 4 into 3, 2 लिख सकते हैं, तो बाहर आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिला के वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, जैसा ऑप्शन होगा वैसे हम लोग उसको एडजस्ट करना होगा। हो सकता है वो अंडर 3 भी बाहर दे दे, कुछ भी बाहर वो अंदर कर सकता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। हो गया। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां दोनों चीजें यूज करनी है, रिड्यूस मास भी यूज करता है और इक्विवेलेंट के कांस्टेंट भी निकालना है। ये दोनों सीरीज में पहले में के ये सीरीज, तो 1/3 + 1/6 के
सर्कुलर कोई पैनल वगैरह, ठीक है, और उसमें हमने स्प्रिंग डाल रखा है, तो जो हमारी मासेस हैं वो डायगोनली अपोजिट है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है इस केस में टेम्पलेट। ये तो हम लोग अभी तक जो है वो एसएचएम में स्प्रिंग मास सिस्टम पर, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम पर। सिंपल पेंडुलम पर बॉब कह देते हैं उसे, ठीक,
कैलकुलेशन वैसे ही कर सकते हैं, और इस केस में टाइम पीरियड आएगा तो बाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी है, आई अपॉन इंडिविजुअल मास के लिए हम लोगों ने डिस्क्रीट के लिए आई निकाला। तो ये जो पेंडुलम है ये फिजिकल पेंडुलम है, ये कैसा पेंडुलम है? फिजिकल पेंडुलम। अगर मैं आई इज इक्वल टू आई कैसे निकाल देते एम आर स्क्वायर, ये तो होता था, और एक मास है तो कोई हाइड्रेट लेने वाली बात नहीं है, सिंपल है एम आर स्क्वायर हो जाएगा। एम आर कितना है यहाँ पे एल, बी हमारा एम स्क्वायर तो एम और एल कैंसिल हो जाएगा, एल बस बचेगा एल अपॉन ये किसका इक्वेशन है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड। अब ये सारा का सारा चीज तब निकाला गया है जब थीटा जो है वो फ्री है, थीटा की वैल्यू जो है वो छोटी है। ठीक है, जब आपको कोई भी किसी भी केस में आपको समझ में ना आ रहा हो कि यूनिट क्या रखना है तो ऐसा ही यूनिट करो। ये फॉर्मूला बहुत कम ही जगह हम लोग यूज करेंगे, नॉर्मली आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसमें थीटा जो है वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम वाला काम चलता है, फिजिकल पेंडुलम में अगर हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला है हम लोग देखिए। ठीक है,
अनलोड के बाद ये पूछ रहे आपके पास अनलोड रियलिटी क्वेश्चन का भी आया टेस्ट ज्यादातर हमारा फोकस ही ना
नॉर्मली जी तो विदाउट साइन होता ही है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। बहुत सारे लोग पागल होते हैं उसको उल्टा कर देते हैं। आगे बढ़े जिस चीज की वैल्यू नहीं दी होगी उसकी वैल्यू जीरो रख देना। ईएक्स या ईवाई की अगर वैल्यू नहीं होगी तो जीरो रख देना। जनरल इक्वेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, EX EY का साइन का मुझे विद साइन q
क्यू आपको विद साइन होगा और ये एस्पेक्ट है कि अगर ऊपर होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे अगर ऐसे सॉरी के साथ ऐसे अगर ऐसा होगा तो पॉजिटिव होगा और अगर ऐसा होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, कार्टेशियन प्लेन पूरी कोशिश मेरी यही रहती है कि कार्टेशियन प्लेन में जो चल रहा है वही चलेगा और 100% जगह वही यूज भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्यू को विद साइन लेना है और जी जो है वो विदाउट साइन। ठीक है, जी जो है आपको विदाउट साइन लेना है। क्वेश्चन अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकेंड हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकेंड इज कैप्ट inside a lift accelerating upwards with an acceleration of 30 meter per second square. Find its time period inside the lift. Find the time period inside the lift. तो उसने जो time period दे रखा है वो simple case में दे रखा है, lift वगैरह में नहीं रखा होगा। सबसे पहले जी इफेक्टिव की वैल्यू निकालना और जी के टर्म में ही निकालना। ठीक है, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। 30 को 3G लिखो, 30 दे रखा है ना, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। सर की बात आ रही है, बस आज नहीं। ठीक है, सर्दी में मेरे ख्याल से कुछ होगा है? हाँ भाई, जो पहले हिस्सा देते थे वही नहीं, टाइम टेबल में यही लगा था, तो जो है वो कहीं आज मेरे ख्याल से बिजी हो गए। तो ठीक है, तो आज बस नहीं, कल से अपने टाइम से होगी टाइम टेबल। जी इफेक्टिव आएगा और जी इफेक्टिव का फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
थ्री ए वाई इसने दे रखा है 30, तो 30 को मैं 3 भी लिख सकता हूँ। अरे वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मकसद क्या है इसने जी के फॉर्म में मुझे मान लिया, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे मान ली। अब ये आंसर जब मैं निकालूंगा देखो हर केस में यही तो आ रहा होता है, हर केस में यही आ रहा होता है। अब जी इफेक्टिव जो आएगा 1 times, 2 times, 3 times कुछ भी ऐसा टाइम्स आएगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टू, तो उतने को मैं बाहर ले लूंगा उतने की वैल्यू मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जी के टर्म्स में भी यहां पर रखें, ठीक है। ए ए की वैल्यू कितनी है, ये कितना हो जाएगा 40, तो यहां पर टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी इफेक्टिव दैट इज 40 अंडर रूट 4 बाहर लोगे, अंडर रूट 4 बाहर लोगे तो कितना होगा 2, और इसकी वैल्यू यानी बाहर आ गया 2 पाई एल अपॉन अंडर रूट एल अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, तो हमारा कैलकुलेशन काफी बच गया, तो काफी मेहनत करना पड़ा। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, बंद नहीं हुआ, हाँ तो ध्यान देना कभी बंद बंद हो जाता है। तो अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ टाइम पीरियड ऑफ अंडर रूट थ्री सेकेंड इज केप्ट इनसाइड अ कार moving with a speed of 10 meter per second on a horizontal circle of 502 meter। मैंने क्या लिखवाया, विद कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्किट ऑफ रेडियस 502 मीटर, फाइंड टाइम पीरियड इनसाइड द कार। अब कार जो है वो सर्कुलर पाथ में चल रही है, रेडियस का नाम ले लिया उसने, तो सर्कुलर पाथ में चल रही है, उसकी स्पीड तो कॉन्स्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो सर्कुलर पाथ में चलने की वजह से उसके पास एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वहां से हम लोग जो है ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल सर्किल में चलते हैं, वर्टिकल नहीं, उस वो हमारा जो ए होगा वो क्या होगा, ए एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले ए एक्स की वैल्यू निकालो, उस ए एक्स को आप लोग जी इफेक्टिव के फॉर्मूले में रखो, और जी इफेक्टिव जो निकल जाए तो उसे आप टी के फॉर्मूले में रख दो, तो वहां से फैक्टर निकल, ठीक है।
हो जाएगा। एक हमारा बी स्क्वायर अपॉन आर, बी की वैल्यू उसने 10 दे रखी है, 10 स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 तो यहां से ax की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ax की वैल्यू 10 अंडर रूट, ठीक है, 10 अंडर रूट 2 का g अंडर रूट 2 जी अंडर रूट 2। अब जी इफेक्टिव निकालते हैं, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ay का होल स्क्वायर प्लस ax का स्क्वायर का अंडर रूट, ay की वैल्यू कितनी है 0 प्लस ax, नहीं ax हमने निकाला ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 3 अंडर रूट 3 ठीक है। अच्छा उसने ओरिजिनल टाइम पीरियड दे रखा है, हाँ ओरिजिनल टाइम पीरियड दे रखा है अंडर रूट 3, t इज इक्वल टू 2 पाई l अपॉन g का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 3, इसे इक्वेशन को बन गया t डैश हमारा जो होगा पाई एल अपॉन जी अफेक्टिव, एल अपॉन जी अफेक्टिव, दोनों डिवाइड कर इस वाले को इससे डिवाइड कर, सो या इस वाले को इससे डिवाइड कर, t dash under root 3 times under root 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 raised to the power half divided by 3 raised to the power 1 by 2, so it will be 3 raised to the power 1 by 2 minus 1 by 2, so it will be 3 raised to the power 1, so t dash to the power 3 raised to the power 1 by 2, 4th root of the 3। हो गया, तो
समझ में आ गई बात। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अ सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम इज kept inside a lift, is kept inside a lift, accelerating downwards with acceleration of 10 meter per second square. Find time period inside the lift. चलो भैया निकालो फटाफट। क्या चीज? मैंने बोला a simple pendulum is kept inside a lift accelerating downwards with an acceleration of 10 meter per second square. Downward acceleration है इस केस में और उसकी वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपको निकालना है कि उस लिफ्ट के अंदर टाइम पीरियड जो है वो कितना है। निकल जाएगा कितना है? इन्फिनिट आ गया। क्यों आ रहा है? तो उससे फिर क्या होगा बताओ? टाइम पीरियड, हम टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करते हैं? जिस पोजीशन से चली उसी पोजीशन पे वापस आ जाए प्लस सेम कंडीशन भी। ये नहीं कि सिंपल पेंडुलम मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे है, तो ये ऐसे है, ये तो नहीं कहेंगे, कंडीशन सेम नहीं है। जब वो इधर जा रही थी तो इसकी इस पॉइंट के जस्ट इधर मूवमेंट का डायरेक्शन किधर था? ऐसे जाने का था, और इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है? इधर। ये सेम कंडीशन ही बात आपने पूरा ऐसे जाएगी अगर वापस आएगी तो यहाँ पे आएगी तो अगली का डायरेक्शन किधर को है? इधर। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच को हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। ठीक है, हाँ समझो, अभी तो मैंने टाइम पीरियड डिफाइन किया, यानी कि वापस उसी पॉइंट को उसे आना है और कंडीशन भी सेम होनी चाहिए। अब हमारा लिफ्ट जो है वो नीचे जा रहा है कितने से? ठीक है, तो हमारा पेंडुलम जो है उस केस में जो रिजल्टिंग एक्सीलरेशन होगा वो जीरो हो रहा है। पेंडुलम कैसे हमने किसी तरह उसको एक बार मीन एक्सट्रीम पोजिशन पहुंचा दिया, अब वो दोबारा मीन पोजिशन पे किसकी वजह से आती है? जी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। और आपने क्या किया कि अपने केस में जो रिजल्टिंग उस केस में रिजल्टिंग जो जी है उसको ही जीरो कर दिया, तो वापस आएगी? अब वापस ही नहीं आएगी तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगी? और कब तक वापस नहीं आएगी? कभी नहीं आएगी, टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। और इक्वेशन भी यही कहता है, ठीक है, हमारा थ्योरी भी यही कहता है और इक्वेशन भी यही कहता है, तो सबका इन्फाइनाइट निकला कि नहीं निकला? अरे बस इसमें जो है यहाँ पे जी इफेक्टिव कर निकाल लो आप, जब आप जी इफेक्टिव निकाल लो जी ए वाई नीचे की तरफ, ए वाई नीचे की तरफ तो माइनस होगा, ठीक है, और कितना है 10 से, तो माइनस जी
स्क्वायर माइनस जीरो अंडर रूट जीरो इज इक्वल टू आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन देखिए। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड 3 सेकेंड इज इमर्स्ड इन वॉटर Find its time period in water, assuming the density of Bob is 9000 divided by 8. 9000 divided by 8. किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगेन टी हमारा वही होगा, जी इफेक्टिव निकालते हैं आप। लिक्विड के केस में क्या मैंने बताया, जी टाइम्स 1 माइनस रो अपॉन रो का डेंसिटी होती है लिक्विड की। यहां कौन सा लिक्विड है? टेंशन और थ्री वाटर, ठीक है। सिग्मा का डेंसिटी है बॉब, और बॉब की डेंसिटी उसने दे रखी है 9000 डिवाइडेड बाय 8। दो बटे कितना आ जाएगा भाई साहब? 1000 डिवाइडेड बाय 9000। सो G बाय 9, ठीक है, रख देते हैं आप। T डैश, अच्छा T दे रखा है क्या उसने? हाँ, नॉर्मल केस में उसने दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है? 3 सेकंड। T डैश में भी केस में तो अफेक्ट के होगा नहीं, 2 पाई एल अपॉन जी अफेक्टिव, दैट इज जी बाय 9 पर। ये कितना हो गया? 3 टाइम्स 2 पाई एल अपॉन जी, और इसकी वैल्यू हमें मालूम
हमने एक प्रिंसिपल पढ़ रखा है एनर्जी कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, और वो क्या कहता है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो वैरी नहीं करने वाली, वो फिक्स्ड है। अब वो कंटिन्यूसली तो आप उसे फोर्स लगा नहीं रहे, आप बस एक बार किसी भी तरह से यहाँ पहुंचा दिए और आपने फिर छोड़ दिया, आपने ऐसे भी नहीं किया, बस आपने यहाँ पे तो इस पॉइंट पे एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम, और मीन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, ये बहुत आसान था जिसमें मैंने कुछ ऐसे ऐसे का कुछ नहीं लगा, नॉर्मल सी बात है कि जहाँ बी मैक्सिमम होगा वो पूरा का पूरा एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के पास जा रहा होगा, और जहाँ बी की वैल्यू जीरो होगी वहाँ सारा का सारा एनर्जी किसके पास जा रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। को हम लोग लिख सकते हैं पीछे पेज पलट के आप देख सकते हो, पीछे मैंने v की वैल्यू लिख रखी होगी, v इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x1, v कितना है ओमेगा टाइम्स a स्क्वायर माइनस x1। ठीक है, यानी कि जब स्क्वायर करूंगा इसको ये बचे, ठीक है। अब एक एक कांस्टेंट हम डिफाइन कर लेते हैं, b is equal to m omega x, हमने डिफाइन कर लिया है, मास भी कांस्टेंट है और टाइम पीरियड भी इसका कुछ ना कुछ होगा जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, आप कहीं भी रख लो इसको एक जगह फिक्स करके रख लो, अब हम रख लो लिफ्ट के लिए हमेशा t की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो अगर t की वैल्यू कांस्टेंट होगी ओमेगा जो होता है वो 2 पाई / t होता है, अगर t की वैल्यू कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी कि m कांस्टेंट है, m क्या है इसका बल्क मास, एक किसी पर्टिकुलर कहने का मतलब एक किसी पर्टिकुलर सिंपल पेंडुलम को आप किसी पर्टिकुलर जगह जब रख दोगे तो उस केस में m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाकी सब की वैल्यू चेंज हो गई। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ a स्क्वायर माइनस x, पोटेंशियल एनर्जी में लिख सकता हूं हाफ m ओमेगा स्क्वायर x, टोटल एनर्जी दोनों को सम करो, दोनों को सम करोगे आप, दोनों को सम, अच्छा इसको भी कि आप लिख सकते हो k का टर्म्स में k इस पर, किसी भी इंस्टेंट पे ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है,
ये मेरा मीन है, ये अगेन एक्सट्रीम है, तो ये एक्स इज एक्स और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए। अगर x की वैल्यू में a रख दूंगा यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाऊंगा, तो पैंट की वैल्यू कितनी होगी? होनी चाहिए। इसी तरह डिफाइन किया गया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ना होता है मीन, तो यहां पे जो मीन है यहां पे x की वैल्यू कितनी है? और टोटल एनर्जी सिस्टम का चेंज नहीं होने वाला है, टोटल एनर्जी में इसलिए कोई एक्स नहीं आया, वेरी नहीं होगा, एम्पलीट्यूड टू बदल के इन दोनों इक्वेशन फॉर्म में, ठीक है। तो यही खत्म करते हैं।